नमस्कार, श्री जगन्नाथ और पुरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज पंचतीर्थ और पुष्करणिया के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पुरी स्थित पंचतीर्थ और पुष्करणियों के बारे में, पंचतीर्थ पुराणों एवं विद्वानों में पुरी के पंचतीर्थ कौन कौन हैं इसके बारे में थोड़ा मतभेद है, उनका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्रह्म पुराण, इसके अनुसार एक मार्कंडेय के द्वारा खोदे गए अवट या गर्त में स्नान। दो, कृष्ण अर्थात अक्षय वट न्याघ्रो धात कृत विष्णु अर्थात जगन्नाथ के दर्शन। रोहिणेय या बलराम के दर्शन, समुद्र स्नान तथा इंद्रद्युम्न में स्नान, यही पंचतीर्थ हैं। इसमें दो तो देवता हैं, तीन तीर्थ हैं। मार्कंडेयो वटकृष्णो रोहिणियो मधो महोदधि इंद्रद्युम्न सरस्वचैव पंचतीर्थ विधि स्मृतः। स्मृति दर्पण हल्दर कृत के अनुसार मार्कंडेय अकृष्ण या श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, महोदधि तथा इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान ही पंचतीर्थ हैं। मार्कंडेयो वटे कृष्णे रोहिण्या महार्द धो इंद्रद्युम्न सरेह स्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अन्य कुछ के अनुसार दशमी के दिन मार्कंडेय में स्नान तथा मार्कंडेय स्वर का दर्शन, एकादशी के दिन अक्षय वट एवं वट मूल में बटेश्वर का दर्शन, द्वादशी के दिन श्री मंदिर में गरुड़ और जगन्नाथ आदि का विग्रहों के दर्शन, त्रयोदशी के दिन श्री मंदिर में स्थित उग्रसेन का दर्शन एवं सागर स्नान तथा चतुर्दशी के दिन इंद्रद्युम्न स्नान एवं यहाँ नृसिंह जी के दर्शन पंचतीर्थ कहलाते हैं। पंचतीर्थ कब करना चाहिए इसके बारे में दो मत हैं विद्वानों में। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी से स्नान पूर्णिमा तक पंचतीर्थ करना चाहिए। दो, कार्तिक शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ करना चाहिए। वृंदावती अर्थात तुलसी पूजा एक महीने के कार्तिक व्रत के समापन के रूप से पंचुक मनाई जाती है। इन सभी तीर्थों में पिंडदान देने का शास्त्रीय विधान भी है। पुष्करणिया, पुरी में पुष्करणिया है। मार्कंडेय, श्वेत गंगा, नरेंद्र, इंद्रद्युम्न और पार्वती सरोवर। ऊपर वर्णित पंचतीर्थों में मार्कंडेय, श्वेत गंगा तथा इंद्रद्युम्न को स्थान मिला है। इन पुष्करणियों का परिचय नीचे दिया जा रहा है। मार्कंडेय, यह श्री मंदिर की वायव्य दिशा में मंदिर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आकार है पूर्व पार्श्व 550 फीट, पश्चिम पार्श्व 542 फीट, उत्तर पार्श्व 350 फीट और दक्षिण पार्श्व 385 फीट। पार्श्वनाथ के शिष्य राजा करकंडू की कथा इसके निर्माण के साथ में जुड़ी है। जैन धर्म के ये करकंडू बाद में वैष्णव प्रवाह में आ गए थे। इस पुष्करणी में स्नान करके शिव के दर्शन करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलने की बात कही जाती है। श्वेत गंगा, श्री मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्वर्ग द्वार के रास्ते पर यह पुष्करणी है। इसकी लंबाई 254 फीट, चौड़ाई 184 फीट तथा गहराई कोई 40 फुट है। कहते हैं कि यह नाम त्रेता के राजा श्वेत माधव के अनुसार पड़ा है। इसके किनारे पर श्वेत माधव, मत्स्य माधव और नवग्रह के मंदिर हैं। यहाँ एक स्फटिक शिला है जिसे जैनी मुक्ति शिला कहते हैं। नरेंद्र, यह पुष्करणी बड़दांडों से कुछ उत्तर की ओर हटकर श्री मंदिर से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
लंबाई है 873 फीट और चौड़ाई 834 फीट। बीच में दीपी दंडी है। एक मंदिर भी बीच में है जहां चंदन कुंड है। वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया से 21 दिनों तक यहां चंदनोत्सव मनाया जाता है। मदन मोहन तथा पंच पांडव दो नावों पर जल क्रीड़ा करते हैं। कहते हैं कि इस पुष्करणी को भानुदेव के मंत्री नख जोशी नरेंद्र महापात्र ने खुदवाया था। दूसरी किंवदंती है कि राजा नरेंद्र देव ने चंद्रगिरी की राजपुत्री कालिंदी से विवाह किया था। उनके 14 संतान हुए लेकिन सभी मर गए। कालिंदी को बहुत दुख हुआ। वह पूरी चली आई। विष्णु ब्रह्म ब्राह्मण के परामर्श से उसने शिव की आराधना की। उसे एक सफेद कुम्हड़े का पौधा लगाया था। उसके फल वह मंदिर में भेजती थी। संतानों को जो प्रेम देना चाहिए कालिंदी ने इस कुम्हड़े के पौधे तथा उसके फलों को दिया। इसी बीच राजा नरेंद्र देव की मृत्यु हो गई। फिर कपिलेंद्र देव राजा हुए। कुम्हड़ों की बात सुनकर वे कटक से पूरी आए। अपनी आत्मीय को इस प्रकार तपस्यारत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर कालिंदी की इच्छानुसार कुम्हड़े पौधे के फैले हुए स्थान पर उस आकार की पुष्करणी उन्होंने खुदवाई। साथ ही उन्होंने मदन मोहन के चंदन यात्रा की विधि की व्यवस्था भी की। इंद्रद्युम्न श्री मंदिर से कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर गुंडीचा मंदिर के पूर्व में यह पुष्करणी है। लंबाई है 485 फीट और चौड़ाई 396 फीट। किंवदंती है कि इंद्रद्युम्न ने इस स्थल पर 1000 अश्वमेध यज्ञ कराया था तथा असंख्य गायों का दान दिया था। उन गायों के खुरों की खुदाई के कारण यह गर्त बना था जिसमें बाद में जल और गोमूत्र भर गया। इसमें पहले तो काफी बड़े बड़े कछुए थे, अब वे कम हो गए हैं। राजा पद्मकेसरी ने इसके चारों ओर बांध का निर्माण करवाया था तथा नीलकंठेश्वर की स्थापना की थी। पंचतीर्थ में इंद्रद्युम्न का नाम लिया जाता है। महाभारत में इस सरोवर का उल्लेख वन पर्व में आया है। कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने श्री मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर ढोने का काम किया था वे बाद में कुर्म बनकर इस पुष्करणी में रहते हैं। यह भी कहते हैं कि इन्हीं कुर्मों ने इंद्रद्युम्न के पक्ष में ब्रह्मा को साक्षी दी थी कि उन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया है। उसके उपरांत ही इंद्रद्युम्न सदैव स्वर्ग जा सके। पार्वती सागर श्री लोकनाथ मंदिर से सटा हुआ यह सरोवर है। आकार में ऊपर वर्णित सभी पुष्करणियों से छोटा है। शिव चतुर्दशी के दिन जागर का मेला इसी पुष्करणी के चारों ओर लगता है। समुद्र का किनारा पुरी के दक्षिण में समुद्र है। कहते हैं कि ऐसा स्वाभाविक रेतमय उथला समुद्र का किनारा विश्व भर में दुर्लभ है। इसी के कारण विदेशियों के लिए जिन्हें कि मंदिर का कोई आकर्षण नहीं भी पुरी एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है तथा बनता जा रहा है। सूर्योदय का दृश्य देखने एवं मुक्त प्रातःकालीन हवा के लिए अगणित यात्री इस बेलाभूमि समुद्र का रेतीला किनारा पर एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार संध्या काल की भीड़ भी काफी रात बनी रहती है। पुरी के अधिकतर आधुनिक होटल समुद्र के किनारे ही बने हैं। इसी प्रकार कचहरी डाक बंगला सर्किट हाउस पूर्व का राज्यपाल भवन पांथर निवास रेलवे होटल यूथ हॉस्टल आदि भी समुद्र के किनारे ही अवस्थित हैं। तीर्थ की दृष्टि से स्वर्ग द्वार समुद्र के किनारे अवस्थित पुरी का शमशान का घाट प्रमुख माना जाता है। पुरी के समुद्र के किनारे पर कहीं भी खोदने पर कुओं या ट्यूबवेलों में मीठा जल मिलता है। यह विशेषता पुरी के लिए एक वरदान है। श्री मंदिर से संबंधित धर्मानुष्ठानों में मठों की प्रधानता रही है। मठों की स्थापना के उद्देश्यों को हम निम्न आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। एक, हिंदू धर्म तथा जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार और प्रसार। दो, यात्रियों का सत्कार। तीन, साधु संतों की सेवा और अभ्यर्थना। चार, दरिद्र और गरीब छात्रों की पढ़ाई में सहायता। पाँच, जगन्नाथ मंदिर के विभिन्न नीति नियमों के पालन में सहयोग। इन मठों के दो प्रकार के मार्गदर्शक हैं। एक है महंत, दूसरा राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी। मठों की संपत्ति का नाम अमृत मणोही है।
इनकी आय से जगन्नाथ मंदिर के सारे खर्च, भोग और नीतियां पालित की जाती हैं। किंतु नाना प्रकार की अव्यवस्था के कारण इन दिनों मंदिर की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। पूरी में मठों की संख्या कोई 130 से ऊपर है। इन सब में अंगिरा मठ और भृगुआश्रम मठ सबसे प्राचीन है। विस्तृत जानकारी देना तो यहाँ संभव नहीं, केवल उनके नामों को यहाँ आकार दिक्रम से दिया जा रहा है। 1. अच्युत मठ, 2. अर्जुन दास मठ, 3. अंगिरा आश्रम मठ, 4. आउजा मठ, 5. इंद्रस्वामी मठ, 6. उग्रसेन मुंडी मठ, 7. उत्तर पार्श्व मठ, 8. एमआर मठ, 9. ओडिया मठ बड़ो, 10. ओडिया मठ सानो, 11. कटकी मठ, 12. कदोदी पाटुका मठ, 13. कबीर चोरा मठ, 14. कापोड़िया मठ, 15. काली तिलक मठ, 16. कुंज मठ, 17. गेंदुझर मठ, 18. कोट भोग मठ, 19. कोसल्या दास मठ, 20. खजूरिया मठ, 21. खड़ाखिया मठ, 22. खाकी आखेड़ा मठ, 23. खिलेरा मठ, 24. गंगा माता मठ, 25. गंधर्व मठ, 26. गिरनार वंत मठ, 27. गिरिस्वामी मठ, 28. गोपाल तीर्थ मठ, 29. गोवर्धन या शंकराचार्य मठ, 30. गोस्वामी मठ, 31. गौरी मठ, 32. घुमसूर मठ, 33. चौरा मठ, 34. चक्रतीर्थ मठ, 35. चावलिया मठ, 36. चामुंड मुंडी मठ, 37. चिकिटी मठ, 38. चूनामुंडी मठ, 39. छावनी मठ, 40. छावनी छत्र मठ, 41. जटिया बाबाजी मठ, 42. जड़ा मठ, 43. जयपुर मठ, 44. जय जय राम मठ, 45. जियर स्वामी मठ, 46. झांझोपीटा मठ, 47. डोगरा मठ, 48. त्रिमादी मठ, 49. तोटा गोपीनाथ मठ, 50. दर्पणी मठ, 51. दशावतार या जयदेव मठ, 52. दक्षिण पार्श्व मठ, 53. नरसिंह कोट मठ, 54. नरसिंह स्वामी मठ, 55. नंदिनी मठ, 56. नागा मठ, 57. नारायण छता मठ, 58. निधि आखेड़ा मठ, 59. निमी आखेड़ा मठ, 60. निर्मोही आखेड़ा मठ, 61. निर्वाण आखेड़ा मठ, 62. नुआ मठ, 63. नेवलदास मठ, 64. पटियाराणी मठ, पटियाराणी मंदिर मठ, 65. पंडू आश्रम मठ, 66. पत्थर आखेड़ा मठ, 67. परासर आश्रम मठ, 68. पंजाबी मठ, 69. पुराण सभा मठ, 70. पुरुषोत्तम मठ, 71. कोड़ा मठ, 72. फलाहारी मठ, 73. बड़ो आखेड़ा मठ, 74. बड़ो आखेड़ा मठ, 75. बड़ो छता मठ, 76. बड़ो तरोदा मठ, 77. बड़ो झांडू मठ, 78. बड़ो संत मठ, 79. बौलगंडी मठ, 80. बलराम कोट मठ, 81. बावली मठ, 82. बाघो आखेड़ा मठ, 83. बाबा ब्रह्मचारी मठ, 84. बेड़ी हनुमान मठ, 85. भगवती कोट मठ, 86. भृगु आश्रम मठ, 87. मरीच कोट मठ, 88. मलई मठ, 89. महाप्रभु जी की बैठक, 90. महावीरिया मठ, 91. महीप्रकाश मठ, 92. मंगू मठ, 93. मार्कंडेय आश्रम मठ, 94. रंगाने काचारी मठ, 95. रघु अर्चित मठ, 96. राघव दास मठ, 97. रानी मठ, 98. राधाकांत मठ, 99. राधा बल्लवी मठ, 100. रामजी मठ, 101. रामदास मठ, 102. रामानुज कोट मठ, 103. रेवसा मठ, 104. लावणिया मठ, 105. लंडी माता मठ, 106. लंगोली मठ, 107. विशाखा मठ, 108. वेंकटाचारी मठ, 109. शंकरानंद मठ, 110. शिव तीर्थ मठ, 111. शिशु मठ, 112. श्याम कुंज मठ, 113. श्री रामदास मठ, 114. समाधि मठ, 115. संक्रांति मठ, 116. सात आसन मठ, 117. सानो आखड़ा मठ, 118. सानो छता मठ, 119. सानो झाड़ू मठ, 120. सानो तरला मठ, 121. सानो नुआ मठ,
122 सानो संत मठ, 123 सारस्वत आश्रम मठ, 124 सालबेग मठ, 125 सिद्ध मठ, 126 सिद्ध बकुल मठ, 127 सुना गोसई मठ, 128 सुंदरदास मठ, 129 सोनार गोरांग मठ, 130 स्वर्ग द्वार मठ, 131 हरि हरुडा खंडी मठ, 132 हरिदास मठ, 133 हाथी आखेड़ा मठ, 134 हाथी गुरुदेव मठ। इस तरह 134 मठ पुरी में विराजमान हैं। इन सभी मठों में एमआर मठ, बड़ो उड़िया मठ, गोवर्धन शंकराचार्य मठ, बालेसाई मठ, रघु अर्चित मठ, राधाकांत मठ बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इन मठों में रामानंदी, नानकपंथी, गाणपत्य, सेव, रामानुजी और गौड़ीय संप्रदाय के मठ भी हैं। थैंक यू।